नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2022 यानी कि आने वाले नए साल में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ सकता है। ये क्यों बढ़ सकता है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। और ये किस पे असर पड़ेगा, ये ड्राइवर पे असर पड़ेगा या सवारी पे असर पड़ेगा, ये भी हम बताएंगे। और कितना किराया बढ़ सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, 1 जनवरी 2022 से ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ सकता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, जल्दी जल्दी मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करो। आप एक दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, एक कमर्शियल ड्राइवर हैं, तो आप सही चैनल पे आए हैं दोस्तों। इस चैनल पे आने के बाद आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं ड्राइवर संबंधित, डॉक्यूमेंट संबंधित, सभी प्रकार की आरटीओ संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ और सारी जानकारियाँ आप लोगों तक। बेल आइकन का जरूर बटन दबा देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी जानकारी दूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किसका किराया बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा और ये किसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो जीएसटी काउंसलिंग होता है, जो पूरे देश में जीएसटी लागू करता है, जिसे हम जीएसटी काउंसलिंग बोलते हैं दोस्तों, जीएसटी काउंसलिंग की तरफ से एक सूचना मिली है कि 1 जनवरी 2022 से यानी कि आने वाले नए साल से, अगले साल से जो है ऑटो और टैक्सी इन दोनों पर जीएसटी लग जाएगी। वो कौन कौन से ऑटो होंगे, कौन कौन से टैक्सी हैं जिस पर ये जो है जीएसटी लगेगी। तो दोस्तों अब जीएसटी काउंसलिंग ने ये कहा है कि जो भी कस्टमर ऐप से, मोबाइल ऐप से बुकिंग करता है, चाहे वो ओला की करे या ऊबर की करे, कोई भी कैब बुक करे या फिर ओला ऊबर के ऐप के द्वारा वो ऑटो रिक्शा भी अगर बुक करता है, तो उस पर जीएसटी लगेगी। क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर ऐप के माध्यम से ओला ऊबर टैक्सी हो चाहे ऑटो हो बुकिंग करता है, तो वो प्रीमियम उसमें आता है, प्रीमियम क्वालिटी में आता है दोस्तों। वो मतलब एक ऐसी सुविधा को यूज़ कर रहा है जो प्रीमियम लोगों के लिए बनी होती है। तो अगर वो अगर इसको सुविधा को लेना चाहता है, तो वो भी प्रीमियम कैटेगरी में आएगा और उस पर जीएसटी टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब जो है 1 जनवरी से ओला उबर जो भी दोनों कैब हैं, ओला हो चाहे उबर हो, उस पर जीएसटी लगेगा। और प्लस ओला और उबर के जो ऑटो चलते हैं दोस्तों, उस पर भी ये टैक्स लगेगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ के जो हमारे भाई हैं जो बिना ओला उबर के चलते हैं, उनको थोड़ा सा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। वो फ़ायदा किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, मान लीजिए अगर इस पे ओला और उबर टैक्सी हो चाहे ऑटो हो, इन तीनों पे जीएसटी टैक्स लग जाता है, तो लगने के कारण किराया बढ़ेगा। और किराया बढ़ने से ये दोस्तों ड्राइवर अपनी जेब से तो किराया देगा नहीं, तो ओला उबर कंपनियाँ क्या करेंगी, जो बिल बनेगा उसमें जीएसटी प्लस कर देंगी, और प्लस करने के बाद किराया बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई कस्टमर बुक करेगा तो उसको किराया ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए अब काफ़ी सारे जो कस्टमर होंगे वो ओला उबर को छोड़ के नॉर्मल जो ऑटो चलते हैं, नॉर्मल जो ऑटो चलते हैं दिल्ली के अंदर, उन पर जाना बेहतर समझेगा। क्योंकि हर समझदार व्यक्ति अपने पैसे बचाना चाहता है, तो जीएसटी बचाने के लिए वो नॉर्मल ऑटो में जाना बेहतर समझेगा। तो मैं बता दूं, जो नॉर्मल ऑटो चलाते हैं उन भाइयों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, उनको सवारियां मिलेंगी, उनकी जो दिहाड़ी है थोड़ी अच्छी अच्छी बनेगी। लेकिन जो हमारे ओला उबर वाले जो भाई हैं जो कैब चलाते हैं या फिर ऑटो चलाते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता रहता है। कभी किसी का फ़ायदा होता है, कभी किसी का नुकसान होता है, तो ये दुनिया में चलता रहता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो किराया है जीएसटी जो है ये बढ़ेगी, तो ये ड्राइवर को नहीं देनी है, ये सिर्फ कस्टमर को देनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि ड्राइवर पहले से ही सीएनजी इतनी महंगी हो गई, अभी 2-3 महीने में कम से कम नहीं तो 8 से 10 रुपए महंगी हो चुकी है सीएनजी। तो ड्राइवर सीएनजी के भी पैसे भरेगा और इस महंगाई के अंदर फिर वो कमाएगा क्या अगर वो जीएसटी के भी पैसे देगा। तो दोस्तों ओला उबर कंपनियों से वैसे तो वो खुद ही इसमें एडजस्ट कर देंगी किराया, कि ये कस्टमर के बिल में जुड़ के आएगा जीएसटी, क्योंकि कस्टमर इस सेवा का फ़ायदा उठा रहा है, तो कस्टमर को ही ये जीएसटी देना चाहिए दोस्तों। अगर वो जीएसटी इसमें बिल में इन्वॉल्व नहीं करती है ओला उबर कंपनियां, तो मैं सभी कंपनियों से कहना चाहूँगा कि ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा परेशान ना करें, नहीं तो आपकी कंपनी यहाँ से जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे ड्राइवर भाई इस समय बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं और अपनी एकता और संगठन का बल दिखाना शुरू कर दिया है। जिस दिन इन ड्राइवर भाइयों का दिमाग घूम गया, तो सारी कंपनियाँ यहाँ से भागती हुई नज़र आएंगी। तो दोस्तों अब मैं बता दूं, आपने सारी चीज़ें जान ली, अब कितने परसेंट लगता है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है
उसके अनुसार मैं बता दूं, लगभग ये 5% के लगभग जो है जीएसटी इसमें जोड़ा जाएगा, जो अभी जानकारी मिली है। बाकी जब भी कोई नई जानकारी आएगी इसके ऊपर मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इतना समय हमारे वीडियो पे आपने बिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो देखते रहें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।